सो हेलो एवरीवन, और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये जो चाबी आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये है इस गाड़ी की, ये है होंडा के थ्रू आने वाली WRV। ये इसका टॉप एंड ट्रिम है, VX वेरिएंट है। और थोड़ी आवाज़ वगैरह है तो प्लीज़ भाई उस चीज़ को माइंड मत करना, क्योंकि जस्ट रोड के साइड में ही हूँ मैं, तो थोड़ी बहुत आवाज़ आपको आएगी, बाकी आप इस पर फोकस करना। तो ये है WRV, टॉप एंड ट्रिम है इसकी, VX है, मैनुअल ट्रांसमिशन है। और अगर आप ये गाड़ी प्रोग्राम कर रहे थे, जस्ट एक अच्छा मतलब ऐसा प्रोडक्ट वाइज अगर आप देख रहे थे कि भाई एक प्रोडक्ट ऐसा हो जो थोड़ा उठासा हो, स्पेस वगैरह अच्छी खासी हो और जिसपे हम भरोसा भी कर सके, तो ये गाड़ी आप प्रोग्राम कर सकते हो, क्योंकि अच्छी खासी स्पेस के साथ आती है, इंजन भी अच्छा खासा मिल जाता है इसको, रिलायबल इंजन है, भरोसा आप इस पे कर सकते हो। तो 2023 में आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर कर देती है ये इसकी चाबी है। कीमत की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 11,09,000 के आसपास ऑन रोड पड़ती है ये दिल्ली में। अब उस प्राइस पॉइंट पर आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर करेगी वो बता देते हैं। ये इसकी चाबी है, डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये इसका मेटल फ्रेम जो देख रहे हो, इसके अंदर आपको फिजिकल की देखने के लिए मिलेगी। और अभी फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, तो व्हाइट कलर आप इसका देख रहे हो, और यहाँ पे आप देखोगे तो काफी बड़े से हेडलैम्प्स मिलते हैं, बट अंदर की साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर बेस हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि व्हाइट लाइट आपको ऑफर करेंगे। ये इसके DRL वगैरह है, मतलब व्हाइट लाइट जलती है, यहाँ पे भी इंडिकेटर्स वगैरह है। इसके फॉग लैंप जो आप देख रहे हो, ये भी LED बेस आपको मिलते हैं। टोइंग हुक के लिए यहाँ पे प्लेसमेंट दी हुई है, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है। काफी बड़ी सी इसको मतलब ऐसा रेडिएटर ग्रिल मिलती है, मतलब एयर इनटेक के लिए पूरा एरिया है, तो कूलिंग सही रहेगी गाड़ी की। ये क्रोम का पूरा बोल्ड स्टांस यहाँ पे मिलता है, होंडा का लोगो है। ये इसके डायमेंशन वगैरह देख लेना, कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। साइड में पूरी क्लैडिंग वगैरह आती है। अब मैंने मतलब ऐसा एक बार इसका मतलब ऐसा वीडियो वगैरह बनाई थी, तो मैंने इसको SUV बोल दिया था, तो बहुत सारे भाई ये बोल रहे थे भाई कहाँ से SUV लगती है, क्रॉस ओवर जैसी सी है कुछ। तो भाई मिक्स ओपिनियन है, कंपनी SUV कहती है, आप साइड पे जाके चेक करोगे तो वहाँ पे SUV लिखा दिखेगा आपको, बट लगती तो है भाई क्रॉस ओवर जैसी। तो आपकी क्या राय है प्लीज़ जरूर शेयर करना कॉमेंट्स में। ये क्लैडिंग वगैरह आती है इसको काफ़ी अच्छी, बड़ी बड़ी गुडियर के यहाँ पे टायर मिलते हैं, 195/60 R16 कुछ ऐसे मिलते हैं मशीन का टलॉय, जहाँ पे आगे डिस्क और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर होती हैं। और यह है बॉडी कलर्ड अपने ORVMs इंडिकेटर्स के साथ, क्रोम डोर हैंडल्स है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ, और यहाँ पे फिजिकल चाबी डालने के लिए अपना एक्सेस दिया हुआ है। रूफ रेल्स आती हैं, ऊपर की साइड सनरूफ भी आपको मिलती है, प्लेन विंडोज हैं, बीच वाला जो ये अपना पैनल है, मतलब ये अपना पूरा ब्लैक मिलता है, और ये क्वार्टर पैनल पीछे वाला। और ये है जी पीछे से पूरी इसकी प्रोफाइल, ऊपर की साइड एक शार्फिन एंटीना भी है, स्टॉप लैंप है, डिफॉगर है, वाइपर है, और ये है जी पीछे से इसके टेल लैंप्स। ये LED बेस आपको मिलते हैं, IVTEC इंजन की बैजिंग है। पीछे की साइड आप देखोगे तो यहाँ पे चार पार्किंग सेंसर जो मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, और नीचे यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में दूँ अपने रिफ्लेक्टर्स। यहाँ मिलती है रिवर्स कैमरा की प्लेसमेंट, और ये अपना क्रोम की पूरी स्ट्रिप, होंडा का लोगो है, WRV की बैजिंग है, मतलब जो गाड़ी है उसका नाम। और ये भी अपना ड्यूल उसमें ही देखने के लिए मिलता है, ये ऊपर से बॉडी कलर है, नीचे से पूरा मैट ब्लैक है। तो ये है पूरा सीन, एक बार ये देख लो पूरा यहाँ से, और यहाँ से डलेगा गाड़ी में पेट्रोल। और अभी इसके बूट वगैरह की बातचीत करें, तो यहाँ पे आई थिंक आपको मैग्नेटिक बटन मिलनी चाहिए जिम, जो कि मिलती भी है, और यहाँ पार्सल ट्रे दी हुई है, और यहाँ आपको मिलती है 3.63 liters की बूट कैपेसिटी, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है। यहाँ पे बूट लैंप भी दिया हुआ है, और इसके नीचे अपना स्पेयर व्हील भी है जो कि गुडियर का मिलेगा। और इसके टायर सेक्शन की बात करें तो 195/60 R16, ये स्टील व्हील है, और टायर सेक्शन वगैरह सेम है, जो कि ये आपके बाहर वाले टायर हैं सेम उसी टायर सेक्शन में आपको ये स्टेपनी भी आपकी देखने के लिए मिलेगी। पार्सल ट्रे है, और अभी इसे बंद कर लेते हैं, अभी बात करते हैं इस गाड़ी की अंदर की चीज़ों के बारे में। और हाँ, इधर की साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, दोनों साइड मिलता है मतलब की। और अभी बात करते हैं अंदर की प्रोफाइल की, कि अंदर से क्या क्या चीज़ें उसमें मिलती हैं। तो सीधा डोर से स्टार्ट करते हैं, तो ये देखो काफ़ी बड़ा सा डोर पैनल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, फैब्रिक का टच दिया हुआ है, ये सिल्वर की लाइनिंग वगैरह है। ये है जी चारों पार विंडोज, ड्राइवर साइड विंडो जो है वन टच अप डाउन में मिलती है, सिल्वर का डोर लिवर है, स्पीकर है, बोतल होल्डर है, 6-way मैनुअल एडजस्टर मिलती है, ड्राइवर सीट वैसे तो आपको फैब्रिक में ही देखने के लिए मिलेगी, बट इसके अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है। नीचे साइड 3 पैडल्स हैं, और ये लाइट लेवलिंग डायल भी है, ये कप होल्डर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ यूनिक सा कुछ इस तरीके से। और अभी इंटीरियर में चलते हैं, और अभी बात करते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या मिलता है। अब इसे कर लेते हैं बंद, इसे भी कर लेते हैं बंद, और ये है मेरे हाथ में चाबी, तो कीलेस एंट्री इसके अंदर आपको मिल जाती है, इसे रख लेते हैं साइड में। और अभी ये ऑन करके दिखाता हूँ, एक बार इसे आप ऑन कर दोगे स्टेयरिंग व्हील जो अपना अनलॉक हो जाता है, ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम ऑन हो जाता है, देखो होंडा का H1 के आ चुका है यहाँ पे। और इसे जब एक बार और ऑन कर दोगे तो ये लो जी, ये हो गया ऑन पूरी तरीके से, ये लो ये अब सारी चीज़ें ऑन हो चुकी हैं। इसके अंदर देखो FM का हुआ गया बनके,
और यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से मिलता है एनालॉग क्लस्टर। अगर आपको एनालॉग डायल्स पसंद है तो ये आपको एक नजर में पसंद आ जाएगा। 8000 तक की आरपीएम है, 220 की टॉप स्पीड है। साइड में ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये आपको डिजिटल मिलता है। इसके अंदर आती है सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि टाइम है, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, ट्रिप ए ट्रिप बी, ऑडो किलोमीटर्स वगैरह, आउटसाइड टेम्परेचर, फ्यूल, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और ये स्टिक है जो इसके थ्रू आप इसे सेट रिसेट भी कर सकते हो। इधर की साइड अपने वाइपर्स के कंट्रोल दिए हुए हैं और इधर की साइड अपने हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के। और इसे बंद कर लेते हैं एक सेकंड। और ये है इसका स्टेयरिंग व्हील, थोड़ा पीछे करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये है कुछ ऐसा स्टेयरिंग व्हील। सिंपल है, सोबर है, बट कंट्रोल्स आपको पूरे मिलते हैं, मतलब कि पूरी लेदर रैपिंग भी मिलती है। स्टिचिंग वगैरह की बात करें तो हैंड फील काफी अमेजिंग है और सही तरीके से की हुई है। आवाज कम ज्यादा करने के लिए, ट्रैक वगैरह चेंज करने के लिए सोर्स की बटन यहाँ पे मिल जाती है। क्रूज कंट्रोल आपको आता है इस गाड़ी में, और यहाँ पे फोन उठाने काटने के लिए बटन है, वॉइस कमांड का फीचर है, और ये नेट जैसा थोड़ा डिजाइन यहाँ पे मिलता है, सिल्वर की लाइन वगैरह आपको मिल जाती है। इसकी एडजस्टमेंट की बात अगर करते हैं तो टिल्ट है और टेलीस्कोपिक भी आपको मिलता है। तो ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। नीचे एक साइड 3 पैडल्स, एक्सेलरेशन ब्रेक क्लच और डेड पैडल की लग से यहाँ पे स्पॉट दिया हुआ है। और अब यहाँ की बात करते हैं, उससे पहले ये दिखा दूँ आपको ऊपर की साइड से। एक तो ये है जी, ये सनरूफ आती है, काफ़ी ठीक ठाक स्पेस उसमें आपको मिलती है। यहाँ आता है वैनिटी मिरर, एयरबैग की वेजिंग भी दी हुई है। सनरूफ के कंट्रोल हैं, ये कुछ इस तरीके की येलो लाइट आपको मिलती है जिन्हें आप ऐसे जला भी सकते हो, बंद भी कर सकते हो। एक मैनुअल डिमिंग IRVM की प्लेसमेंट, और इधर की साइड भी आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिलता है ड्राइवर साइड। और अभी डैशबोर्ड देखो आप, टोटल सारी चीज़ें ब्लैक है, कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि ये सिल्वर की हाईलाइट है, ये सिल्वर की हाईलाइट है, एसी के वेंट्स के मतलब चारों तरफ दी हुई है सिल्वर हाईलाइट। तो यही है, ये अपना टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। ग्लोसी ब्लैक ट्रिम्स हैं, ये टच का पूरा पैनल मिलता है, अपना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है इसके अंदर, पट्टी जितना भी पैनल आप देख रहे हो पूरा टच में मिलता है। ये क्रोम की रिंग मिलती है अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के चारों तरफ, और ये लाइट कुछ इस तरीके से ब्लिंक करती रहती है जब तक ये गाड़ी ऑन नहीं होगी। तो ये है जी, नीचे एक साइड 2 USB पोर्ट हैं जिनकी आउटपुट आपको अलग अलग मिलती है। ये 1.5 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है, ये लिखा भी है इनके ऊपर। ये 12 का चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से थोड़ी स्पेस वगैरह है, 2 कप होल्डर्स है, और ये आता है 5 स्पीड का मैनुअल गियर लेवर कुछ इस तरीके का। ये सिल्वर हाईलाइट वगैरह दी हुई यहाँ पे, हैंड ब्रेक है सिल्वर टिप के साथ है, थोड़ी स्पेस वगैरह मिल जाती है। आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट के अंदर भी स्पेस मिलती है, और यहाँ पे भी एक 12 का चार्जिंग सॉकेट है, ये काफी यूनिक लगा, तो इसे आप यूज कर सकते हो। स्लाइड वगैरह तो नहीं होता, ये भी फैब्रिक में ही है। तो ये है पूरी चीजें यहाँ से। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाती है, आपका पेपर वर्क जो है इजीली आ जाएगा। और ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करें तो सारी चीज़ें स्टडी फील होती हैं, अच्छी फील होती हैं, बाकी अपना अपना ओपिनियन हो सकता है इसको लेके। और अब ये सीट में मेरी हाइट के हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्ट, और पीछे चलते हैं। पीछे की सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं कि ये आपको क्या क्या ऑफर कर देती है, पीछे स्पेस वगैरह कैसी है। होंडा का प्रोडक्ट, और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि होंडा की सभी गाड़ियों के अंदर रेयर स्पेस की कोई कमी नहीं रहती है, तो अभी वो दिखाता हूँ आपको। डायरेक्ट चलते हैं पीछे, और अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये सीट जो है मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, और अभी आपको पीछे की स्पेस वगैरह चेकआउट करा दूँ साथ के साथ ही। और ये है जी डोर पैनल, पहली बात ये देख लो, यहाँ पे भी फैब्रिक टच दिया हुआ है, ये सिल्वर की लाइन वगैरह है, पावर विंडो है, सिल्वर का डोर लेवर, स्पीकर, बोतल होल्डर आता ही है। और अभी पीछे की बात करते हैं तो ये है वो स्पेस, देख लो 5'9" मेरी हाइट है, और ये देखना भाई क्या ही नेक्स्ट लेवल स्पेस है। और ये आगे वाली सीट मेरे हिसाब से कम्फर्टेबल पोजिशन पे है बिल्कुल, और मैं पीछे भी कम्फर्टेबली बैठा हूँ। ये पीछे मेरे अपना हेडरूम वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो कितना है मुझे, और भाई स्पेस में तो कोई कमी है नहीं यहाँ पे। और इसका फ्लोर भी मतलब ऐसा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा रिक्लाइन है, तो मतलब पैर आराम से रेस्ट करते हैं यहाँ पे। पीछे मैगजीन होल्डर हैं दोनों ही सीट्स पे, रेयर एसी इवेंट्स वगैरह तो नहीं आते हैं। और यहाँ पे एक और दो ही एडजस्टेड हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, ये सीट्स के अंदर ही इंटीग्रेटेड है। 1, 2, 3 ग्रैब हैंडल्स हैं जो कि ऐसे इजी फोल्ड होते हैं, यहाँ पे कोट वगैरह हैंग करने के लिए आपको हुक भी मिल जाता है। रेयर रीडिंग लाइट भी आती है, तो कुछ इस तरीके से आप बंद और चालू कर सकते हो। और ये है अपनी सीट बेल्ट्स कुछ इस तरीके की, और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू। और अभी इसका इंजन कंपार्टमेंट और दिखा देता हूँ, अगर आप ये गाड़ी प्रोग्राम कर रहे हो तो उस हिसाब से इस गाड़ी की जो इंजन स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको कैसी मिलती हैं। तो एक सेकंड बोनेट खोल लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो अब इस गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे इंसुलेशन पैडिंग मिलती है, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है 1199cc का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 88 bhp निकालता है, 110 Nm का टॉर्क डेवलप करता है, और 40 L की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है जिससे मतलब 16-17 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। यह है होंडा IVTEC इंजन आपके सामने, कुछ इस तरीके की प्रोफाइल मिलती है शानदार सी, और यह है पूरा सीन। और एक सेकंड इसे बंद कर लेते हैं फिर मिलते हैं।
तो ये थी आपके सामने होंडा के थ्रू आने वाली WRV। अगर आप इसे प्लान कर रहे हो तो इसकी टॉप एंड ट्रिम थी, और इस प्राइस पॉइंट का आपके हिसाब से गाड़ी कहाँ जस्टिस करती है, क्या राय है आपकी इस गाड़ी को लेकर, प्लीज जरूर शेयर करना कमेंट्स में। और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।